I am Yashasvi Sarve. I am the member of RJ Sports and Educational Research Center. दोस्तों आप सब ने मुझे RJ Sport के चैनल पे कई बार देखा है. दोस्तों RJ Sports इस चैनल की शुरुआत मीन्स हमने 2017 से की थी. इसकी ओपनिंग 2017 में हुई थी. तब से ये संस्था चालू है और ये चैनल बीच से नहीं आ पाता. उसके पीछे कई रीजंस होते हैं. जैसे कि मैं हूँ तो मैं संस्था की आपको जैसे मैंने बताया है कि मैं RJ Sports की कोऑर्डिनेटर हूँ और इसी के साथ में समाज कार्य में भी मुझे मीन्स बहुत इंटरेस्ट है. तो मैं समाज कार्य भी करती थी मीन्स अभी भी करती हूँ. उसके साथ एजुकेशन है. उसके साथ मेरे कई सारे मेरी अपने भी कुछ ख्वाब है, सपने हैं. अब मुझ में भी कुछ टैलेंट्स है. अच्छे से मीन्स खुद को प्रूव कर सकते हैं. और जो बोलते हैं कि अपने सक्सेस का जो शिखर है तो वो वहाँ पे पहुँच सकते हैं. बट उसके लिए क्या चाहिए? तो उसके लिए आपको एजुकेशन चाहिए. उसके उस जिस फील्ड में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है उसका आपको नॉलेज चाहिए. तो ये जो नॉलेज है ये हमें नहीं मिलता है. गाइडेंस करने वाले जो प्रॉपर गाइडेंस करने वाले हैं वो जो स्टेज रहता है वो हमें नहीं मिलता है. तो वो स्टेज RJ Sport देना चाहता है. मैं अच्छा लिखते भी है और मीन्स कुछ बच्चे ऐसे कि वो कविता अच्छे करते हैं, कुछ शायरीज अच्छे करते हैं, कुछ डांस अच्छे करते हैं, कुछ सिंगिंग अच्छे करते हैं. तो हम ऐसे लोगों को एक्टिंग अच्छा करते हैं तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, अच्छे गुरु मिले. हम उन्हें एक अच्छे लेवल पे लेके जा सके. हमें भी अच्छे लेवल पे जाना है तो फिर इन सब लोगों को हम साथ लेके जा रहे हैं. गाइडेंस अच्छे से नहीं मिलता है तो ये गाइडेंस अच्छे से नहीं मिलता है और उनमें एक हिम्मत नहीं रहती है, डेयरिंग नहीं रहती है. तो फिर हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हम आगे लाएं, उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे. इसके लिए हम हमारे संस्था के माध्यम से कई सारे हमेशा प्रोग्राम्स लेते रहते हैं. अगर कोई बच्चा छोटा सा भी कुछ जीत जाए, हमारे मीन्स कंपटीशन रहते हैं क्लास में, हम कंपटीशन लेते हैं. तो किसी भी चीज़ में अगर छोटी छोटी खुशी भी हो, बर्थडे से स्टार्ट करते हम, अगर छोटी छोटी खुशी को हम एक मीन्स अच्छे लेवल पे सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं और उसी के माध्यम से हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स लेते हैं, बच्चों को बोलने के लिए बोलते हैं, फिर बच्चों में जो स्टेज डेयरिंग है वो लाते हैं, ख्वाब बन के रह जाता है कि यार हम भी कर पाते हैं, हम भी आगे जा पाते हैं. बट हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं रहती और कुछ दिनों के बाद ऐसे रहता है कि घर में घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम पे आती है तो उसे भी संभालना पड़ता है. तो उसके वजह से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होते हैं. तो हम चाहते हैं फिलहाल कि हम ऐसे बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें, अच्छा मार्गदर्शन करें. तो अगर आपसे कुछ भी आपके हिसाब से जितनी भी हेल्प हो पाती है तो प्लीज़ हमारे संस्था के लिए हेल्प कीजिए ताकि हम ऐसे लोगों के लिए उस पैसे का उसका यूज़ कर पाए और हमारे बच्चे आगे जा पाए. थैंक यू सो मच. आकाश खरे, मैं RJ Sports एंड एजुकेशन रिसर्च सेंटर में कोऑर्डिनेटर हूँ एंड मेरा खुद का भी बिजनेस है. मैंने स्टार्टअप किया है. उसके बाद मैं RJ Sports एंड एजुकेशन रिसर्च सेंटर में क्लासेस भी लेता हूँ. ओके, सो फ्रेंड्स, मैं आपसे आज बातें करना चाहूँगा क्योंकि हमारी जो संस्था है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, उसके थ्रू हम बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं जिनके थ्रू हम ऐसे जो बच्चे जिनकी फैमिली की इकोनॉमिकल कंडीशन जो वीक होती है तो उनको अपने फ्यूचर के लिए या फिर उनकी जो टैलेंट है वो टैलेंट दिखाने के लिए उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता या फिर वो पे नहीं कर पाते. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू हम उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं. तो उसमें कोई डांसर होगा, कोई सिंगर होगा, कोई स्पोर्ट प्लेयर होगा, कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे स्केटिंग हो, चाहे फुटबॉल हो, कबड्डी हो, क्रिकेट हो. ओके, मैं भी यही करता हूँ. जैसे मैं यहाँ पे प्राइवेट ट्यूशन्स लेता हूँ तो उसमें से जो पैसे आते तो हमारे जो संदीप सर है, फिर राजू सर और मैं, तो हम यहाँ पे जो प्राइवेट ट्यूशन्स लेते हैं उनमें से जो पैसे आते तो हम उस पैसे में से कुछ हिस्सा बाहर निकाल के हम इन बच्चों के लिए खर्चा करते हैं, बोलना पड़ता है. तो हम कब तक उनका खर्चा उठाएंगे, राइट? तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए आप जो भी हो, आपके थ्रू जो भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके
आपके हिसाब से कुछ भी आपको मतलब कोई भी आप हेल्प कर सके हमें जो इन गरीब बच्चों के लिए काम मतलब काम में आए तो आप हमारे लिए हेल्प कर सकते हो, इकोनॉमिकल हो या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हो।